नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। विश्व भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर जयपुर का एक ऐसा स्कूल है जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा शिक्षा दी जा रही है और बेहतर रिजल्ट के मामले में इस स्कूल की एक अलग पहचान है। यहां से निकलने वाले बच्चे शिक्षा हासिल कर नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। देखिए एक्सप्रेस न्यूज भारत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल का परिचय करवाने जा रहे हैं जिसने शिक्षा जगत में अपनी आधुनिक शिक्षा और बेहतरीन परिणाम से एक अलग ही पहचान बनाई है। विश्व भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसकी शुरुआत 1999 नाहरी कनाका शास्त्री नगर में हुई, ये स्कूल एक नई सोच के साथ शुरू किया गया। इस विद्यालय में शिक्षा ऑडियो विजुअल टीचिंग मेथड के साथ शुरू की गई, जिसके लिए विद्यालय ने स्मार्ट एनिमेटेड कोर्स, स्मार्ट LED एंड CPU सभी कक्षाओं में लगाए, जिससे विद्यार्थियों का सीखने में दिलचस्पी बढ़ी, जिसके चलते विद्यार्थियों को शिक्षा लेना बहुत आधुनिक और मजेदार हो गया। विश्व भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, स्पोकन इंग्लिश, एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर वीक स्टूडेंट्स, बेसिक इम्प्रूवमेंट क्लासेस, पेरेंटिंग, सेल्फ स्टडी प्लान, बेस्ट मोटिवेशनल क्लासेस और समय समय पर PTM पर फोकस किया। बदलते समय के साथ साथ हिंदी मीडियम स्कूल के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी ओपन किया गया, जिसमें बेहतरीन और क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। विश्व भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल फाउंडर मोहम्मद शकील काजी का जो मिशन था, उसी मिशन पर चलते हुए आज हजारों बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और शास्त्री नगर क्षेत्र में विश्व भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक अलग पहचान है। विश्व भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दुनियावी और दीनी दोनों तालीमों पर फोकस किया जाता है, ताकि बच्चे दुनियावी तालीम के साथ साथ इस्लाम की बेसिक तालीम से भी आशना हो। विश्व भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर साल कई प्रोग्राम आयोजित होते हैं, जैसे बाल मेला, फन फिएस्टा, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और कई तरह के गेम्स कराए जाते हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज भी सीखे और आगे चलकर स्कूल परिवार और देश का नाम रोशन करे। स्कूल की तरफ से बच्चों को पिकनिक पर भी ले जाया जाता है, ताकि बच्चे देश भर का भ्रमण कर सके, अपने आप को दुनियावी एतबार से मजबूत कर सके। 5 साल से स्टडी कर रही हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जिसके कारण मैं 9th क्लास में भी अच्छी परसेंटेज से पास हुई हूँ और मैं यहाँ पर 10th क्लास में भी अच्छे परसेंटेज बनाने की पूरी कोशिश करूँ। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आगे जाकर कुछ करें और हमें आशा देते हैं। जो बच्चे यहाँ पर कमज़ोर हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है। 7th क्लास से पढ़ रही हूँ। इस स्कूल का अनुशासन बहुत अच्छा है। इस स्कूल में अनुशासन पर बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, वो हमें कई तरह का मोटिवेट करते हैं। उनकी मोटिवेट की वजह से ही मेरी 10th क्लास में 17% बनी है। आलिया खान है और मैं इस स्कूल से 5-6 साल से स्टडी कर रही हूँ और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं और हमें बहुत ही मोटिवेट करते हैं, हमें सिखाते हैं कि आगे ज़िंदगी में कैसे क्या करना है। मेरा नाम सानिया है, मेरे को यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे हमारी स्टडी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से मेरी 9th में अच्छी परसेंटेज से मैं 1st डिवीज़न आई थी और हमारे यहाँ पर बहुत से प्रोग्राम भी होते हैं। मैं उवेश है, मैं 10 साल से स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे सभी टीचर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कराते हैं और हमारे स्कूल में हर साल एक्टिविटी होती है और हर साल बाल मेला भी होता है। और उद्देश्य तो यही था कि जो भी हमारे यहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, उनको वो क्वालिटी एजुकेशन दे सकें जो वो जनरली हासिल नहीं कर पाते। अभी किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, क्या क्या शिक्षा? अभी लगभग सभी जो राज्य सरकार से जो निर्धारित कोर्स है वो सभी कराया जाता है। उसके अतिरिक्त कुछ उसके अंदर जनरल नॉलेज के अलावा उनको दीनी तालीम दी जाती है। दीनी तालीम इन द सेंस कि उनको पूरी चीज़ें बताई जाती है, पूरे अखलाक के बारे में बताया जाता है कि अखलाक अपना किस तरह से बेहतर करें और किस तरह से उनमें देश प्रेम की भावना जागृत हो, जो वर्तमान में जो सांप्रदायिकता चल रही है उसके विरुद्ध वो किस तरह से अपने आप को फेस करें, इसी के बारे में उनको एक्स्ट्रा अवेयर किया जाता है। अभी कितने बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं? अभी तकरीबन 950 बच्चे अपने विद्यालय में हैं एनरोल्ड, जो लगातार विद्यालय। स्पोर्ट्स को लेकर क्या रहता है, किस तरीके से एक्टिविटीज होती हैं? सर वर्तमान में हर साल हर वर्ष एक टूर्नामेंट आयोजित होता है अपने विद्यालय की तरफ से चौहान स्टेडियम में, 3 दिवसीय। उसमें लगभग सभी जो भी प्राथमिक गेम है उनका आयोजन किया जाता है। हमारे साथ साथ अन्य हमारा एक MSSP ग्रुप है, उसके समस्त विद्यालय उसमें भाग लेते हैं और बच्चों को एक तरह से पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि उनके स्वास्थ्य की भी।
सर बाल मेला लगाया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या क्या कराया जाता है, किस तरीके से एक्टिविटीज होती है? सर बाल मेले में बच्चों को ये सिखाने का प्रयास करते हैं पूरी तरह से, किस तरह से वो अपने आप को किसी और के सामने प्रेजेंट कर सके, उनमें जो हेजिटेशन है बोलने की वो क्लियर हो जाए, किस तरह से वो अवेयर हो सके आगे के लिए, उस बाल मेले में वो सारी चीज़ें की जाती है। और हर वर्ष लगभग हर वर्ष बाल मेला भी आयोजित किया जाता है। सर शिक्षा कितनी जरूरी है दौड़ में आगे बढ़ने के लिए? सर शिक्षा के बिना तो इंसान ही नहीं है। अगर एक पैदा होने वाले इंसान को पूरा का पूरा कंप्लीट मनुष्य बनना है या मानव बनना है तो शिक्षा अनिवार्य है। सही गलत के अंदर वो फैसला शिक्षा के द्वारा ही कर पाएगा। सर आजकल के बच्चे मोबाइल गेम्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे वो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाते, उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है और शिक्षा पर भी। उनके पेरेंट्स से आपकी क्या अपील लगी? सर उनसे, जिन्होंने इन्वेंशन किया है ना इस मोबाइल का, उन्हीं के ये वर्ड है कि मोबाइल एक धीमा जहर है। खास तौर से आजकल के युवा पीढ़ी के लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें कुछ आवश्यक और अनावश्यक हर तरह की प्रकार की सामग्री इसमें उपलब्ध है, जिससे बच्चे अपना भविष्य खोते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो समय का नुकसान होता है इसमें, और जो भी जब समय उसमें व्यतीत हो जाता है तो बच्चों को या जो भी बड़े हैं इसको यूज़ करते हैं उनको सोचने का वक्त नहीं मिलता। जब वो सोचेंगे नहीं तो उन्हें डेवलपमेंट कैसे आएगा, वो विचार कैसे करेंगे किसी चीज़ के बारे में, अपन को डिसीजन लेने की पावर ही खत्म हो जाएगी उनकी। तो इस तरह से वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं दिमाग को, दिमाग फ्री नहीं होता उनका, जब दिमाग फ्री नहीं होगा तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे सर अपनी लाइफ में। सर आजकल का युवा नशे की तरफ जा रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से, उनके पेरेंट्स से या बच्चों से? अब नशे के बारे में सर ये सर्वविदित है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को शुरू से हर तरह का नशा जो है मना है। तो अब नशा करेंगे तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, पूरी की पूरी पीढ़ी तबाह और बर्बाद हो जाएगी सर।